पाचन शक्ति को इतना बढ़ाए कि जो कुछ खाएं सब हजम हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, क्योंकि दोस्तों पाचन शक्ति का कमजोर होना हमारे सिर्फ पेट तक ही सीमित नहीं रहता। पेट में बनने वाली गैस, अपच और एसिडिटी के साथ साथ हमारे लीवर का सही से काम न करना, साथ ही साथ चेहरे पर आने वाले दाग धब्बों के साथ साथ हमारे बालों का समय से पहले पकना और शरीर को पूरी तरह से न्यूट्रिशन न मिलना, दोस्तों कमजोर पाचन शक्ति की निशानी है। और यही कारण है कि दोस्तों अगर लंबे समय तक हमारा पाचन कमजोर रहेगा तो हमारा शरीर इतना कमजोर हो जाएगा कि हम दुबले पतले दिखने लगेंगे। और इसीलिए दोस्तों पाचन का मजबूत होना ना केवल हमारे पेट की बीमारियों को दूर करता है, साथ ही साथ हमारे शरीर को जरूरी न्यूट्रिशन पहुंचाता है, जो कि हमें सुंदर, सुडौल और आकर्षित दिखने में मदद करते हैं। और इसीलिए दोस्तों आज जो हम आपके लिए उपाय लेकर आए हैं, अगर आप भी कमजोर पाचन से परेशान हैं तो ये उपाय आपकी पूरी तरह से उस समस्या को खत्म करेगा। तो चलिए ये देखते हैं कैसे आपको इस उपाय को तैयार करना है। दोस्तों जिस तरह से हम अपने चेहरे और बालों का ख्याल रखते हैं, उसी तरह से हमें अपने पाचन का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मजबूत पाचन शक्ति ही हमारे शरीर को हमेशा तंदुरुस्त और एक्टिव बनाए रखती है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर लेना है ये छोटी इलायची को। पेट से जुड़ी हर तरह की समस्या जैसे गैस, अपन जैसी बीमारी को दोस्तों छोटी इलायची तो दूर रखती ही है, साथ ही साथ ही हमारी पाचन प्रक्रिया को बहुत तेज करती है, जिससे हमारा खाए जाने वाला खाना तो हमेशा जल्दी पचता है और हमारे शरीर को जरूरी न्यूट्रिशन मिलते हैं। इलायची दोस्तों हर घर में आसानी से मिलती है। अब इस तरह से ये छोटी इलायची लीजिए और इसे ऊपर से छील कर इसके बीज निकाल लीजिए। आपको दोस्तों इसी तरह से एक चम्मच के बराबर छोटी इलायची के बीज लेने हैं और एक खाली कटोरी में डाल लेने हैं। छोटी इलायची लेने के बाद आप दोस्तों यहाँ पर लीजिए ये मिश्री को। ये जो है दोस्तों ये है मिश्री। दोस्तों ये चीनी की तरह ही होती है, लेकिन आपको चीनी नहीं लेनी, आपको इस तरह से मिश्री लेनी है। मिश्री का दोस्तों आपको इतना सा पीस लेना है और ये आपको किसी भी किराने के स्टोर से मिल जाएगी। आप यहाँ पर ये मिश्री लीजिए और मिश्री के बाद अब हम यहाँ पर इसमें मिलाएंगे काली मिर्च को। पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ाने के लिए दोस्तों काली मिर्च बहुत ही फायदेमंद है, और यही वो एसिड है जिससे हमारी पाचन क्रिया तेज होती है और हमारा खाया जाने वाला खाना जल्दी और अच्छे से पचता है। आप दोस्तों यहाँ पर ये काली मिर्च लीजिए और काली मिर्च को दोस्तों आपको चम्मच से एक चम्मच जो है लेना है और इसमें मिला देना है। आप यहाँ पर ये काली मिर्च डालिए और आखिर में जो हम यहाँ पर मिलाएंगे वो जो चीज है दोस्तों वो है जीरा। आपको दोस्तों यहाँ पर ये जीरा लेना है। जीरा जो है दोस्तों आपको पूरा सूखा हुआ होना चाहिए। अगर आपके जीरे में नमी है तो आप उसे भून लीजिए। पेट से संबंधित रोगों के लिए दोस्तों जीरा बहुत ही फायदेमंद है। आपको यहाँ पर जीरा भी दोस्तों काली मिर्च के बराबर बिल्कुल एक चम्मच लेना है। आप यहाँ पर ये एक चम्मच जीरा लीजिए और ये जीरा डालने के बाद अब हम इन्हें पीस लेंगे। आप दोस्तों इन्हें लीजिए और इन्हें अच्छे से पीस लीजिए। आप दोस्तों इन्हें ग्राइंड करके बिल्कुल पाउडर की तरह बना लीजिए और ये जो चूर्ण है दोस्तों हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको इसका सेवन किस चीज के साथ और कैसे करना है ये जानना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ आपको खाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे आपकी पाचन शक्ति हमेशा के लिए सही हो जाएगी। आइए देखते हैं। दोस्तों दिन में जब भी आप खाना लें, खाने को हमेशा धीरे धीरे और चबा चबा कर खाएं, और रात के खाने में कभी भी दोस्तों फास्ट फूड या तली हुई चीजों का सेवन ना करें। हमेशा पौष्टिक आहार ही लें। इससे दोस्तों आपकी पाचन प्रक्रिया तो तेज होगी, साथ ही साथ खाना भी सही से पचेगा। इस उपाय का प्रयोग करने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर लीजिए एक कटोरी दही को। आपको दही दोस्तों बिल्कुल ताजा लेना है और इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर इस चूर्ण का आधे चम्मच के बराबर इसमें मिलाना है और इसे यहाँ पर आपको अच्छे से मिक्स करना है। आपको दोस्तों इस उपाय का प्रयोग हमेशा दिन में सुबह खाना खाने के बाद ही करना है, यानी कि आप सुबह का नाश्ता कीजिए और नाश्ता करने के बाद 10 से 11 बजे के बीच आप दोस्तों इस उपाय का प्रयोग कीजिए। आप दोस्तों इस उपाय को दही के साथ लीजिए, जिससे आपकी पाचन शक्ति तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ हमेशा आपका पेट भी साफ रहेगा। और रात के खाने के बाद हमेशा दोस्तों एक चम्मच सौंफ का प्रयोग करें और उसे अच्छे से चबा चबा कर खाएं। 2 हफ्ते तक दोस्तों आप इस उपाय को लेने के बाद आप दोस्तों देखेंगे कि आपकी पाचन प्रक्रिया पहले से बहुत तेज होगी और आपका खाना भी सही से पचेगा। और अगर दोस्तों आपको शरीर में कमजोरी और आलस महसूस होता था वो भी खत्म होगा। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।